महाराष्ट्र में दीपावली के चलते लातूर जिले की सभी मंडी समितियां बंद थीं, लेकिन लातूर कृषि उपज मंडी समिति दिवाली त्यौहार के एक दिन बाद पड़वा फेस्टिवल में एक दिन के लिए ही शुरू हुई थी, जहां पर व्यापारियों ने दुकान की पूजा की और साथ ही किसानों ने सोयाबीन की बिक्री भी की थी। लगातार 6 दिनों तक ठप रहने के बाद शुक्रवार सोयाबीन की रिकॉर्ड आवक देखी गई थी। इसके अलावा किसानों ने संतोष व्यक्त किया है कि दरें स्थिर बनी हुई हैं। सोयाबीन के भाव भले ही पहले जैसे नहीं रहे हो, लेकिन किसानों ने कीमत की चिंता किए बगैर दिवाली में सोयाबीन बेचने का फैसला किया था। सोयाबीन की कीमतों में उतार चढ़ाव से अभी यह साफ नहीं है कि बाजार का हाल कैसा होगा। इस बीच जब सोयाबीन की कीमतों में गिरावट आई तो सिर्फ 8,000 बोरी ही आ रही थी, हालांकि शुक्रवार को 40,000 बोरी मंडी में पहुंचे थे। इसलिए पड़वा त्यौहार के दिन महाराष्ट्र के व्यापारी की दिवाली मीठी हो जाती है और बाजार में एक पुनः जागरण था। दीपावली के चलते लातूर कृषि उपज मंडी समिति पिछले रविवार से बंद थी। किसान जानते थे कि पड़वा त्यौहार के दिन लेन देन होता है, इसलिए शुक्रवार को पड़वा त्यौहार के दिन करीब 40,000 बोरे बाजार में पहुंचे थे। मार्केट कमेटी के लगातार 6 दिन बंद रहने का यह भी नतीजा है, लेकिन शुक्रवार की आमद के मुताबिक सोयाबीन की कीमत चाहे जो भी हो, किसान बेचने को लेकर ज़्यादा सतर्क रहते हैं। सोयाबीन की कीमतों में पिछले कुछ दिनों से स्थिरता बनी हुई है। अनाज के स्टॉक को सीमित करने के केंद्र सरकार के फैसले की समय सीमा समाप्त हो गई है, तो शायद व्यापारियों ने स्टॉक करना शुरू कर दिया है, इसलिए दरें स्थिर रहने की संभावना है। हालांकि किसानों को राहत मिली है कि दरें स्थिर बनी हुई हैं। बड़ी बात यह है कि न्यूनतम कीमत में गिरावट नहीं आ रही है। नतीजतन सोयाबीन लातूर, उस्मानाबाद, बीड, अंबाजोगई, सोलापुर और कर्नाटक से आयात किया गया था, हालांकि बाजार मूल्य का अनुमान नहीं लगाया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।